पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा। लेटर में पीएम ने लिखा, आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे, हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। लेटर में पीएम ने आगे लिखा, एक टीम के रूप में हम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मणिपुर की हालिया हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, हम उनसे उनकी हरकतों के मुताबिक निपट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रामनवमी के मौके पर पुंछ में शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नागपुर में रामनवमी शोभा यात्रा से पहले संक्रमुख समेत कांग्रेस उम्मीदवार ने की पूजा अर्चना। रामलला के सूर्य तिलक पर राम में हुई पीएम मोदी ने रामलला का सूर्य तिलक असम में चुनावी रैली के दौरान देखा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की पार्टी की नई वेबसाइट आपका राम राज्य है थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने रामनवमी के मौके पर लाठी खेली। दिलीप घोष परंपरा के मुताबिक हर रामनवमी में इसी तरह से लाठी खेलते हैं। दिल्ली में कालिंदी कुंज मस्जिद के पास फर्नीचर मार्केट में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।